महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक के घर ईडी की दबिश, साथ लेकर दफ्तर पहुंची टीम अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की आशंका। शिवसेना कांग्रेस बोली ये बदला है। नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ पर भड़के संजय राउत। संजय राउत बोले एक एक अफसर को एक्सपोज करूंगा, 2024 तक ये खेल चलेगा, उसके बाद बीजेपी को परिणाम भुगतने होंगे। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक के घर ईडी की दबिश, बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में सियासी हलचल तेज, संजय राउत गुस्से में और शिवसेना और कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं इसे सियासी प्रहार। संजय राउत बोले एक एक अफसर को एक्सपोज करूंगा, 2024 तक ये खेल चलेगा, उसके बाद बीजेपी को परिणाम भुगतने होंगे। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक के घर ईडी की दबिश। बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति से, मुंबई में सियासी हलचल, संजय राउत का बयान, ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत, नवाब मलिक पर ईडी की दबिश। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक, दफ्तर लेकर पहुंची टीम अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की आशंका। शिवसेना कांग्रेस बोली ये बदला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से। तो सत्यप्रकाश, ये लगातार पूरे सियासी घटनाक्रम चल रहा है कम से कम 2 साल से, अब उसी में एक नई ये कवायद हुई है कि नवाब मलिक पर ईडी का छापा पड़ा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों नवाब मलिक ने लगातार समीर वानखेड़े को घेरा था, हालांकि समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है, ऐसे में ईडी का जो है जवाबी कार्रवाई माना जा सकता है, क्योंकि ईडी ने आज सुबह ही नवाब मलिक के घर पहुंची थी और वहां से नवाब मलिक को अपने साथ ईडी दफ्तर लेके गई है। लेकिन यह पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा था, हालांकि ईडी ने पहले नवाब मलिक को समन दिया था, उन्हें बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे थे, इसलिए ईडी के तमाम अधिकारी खुद उनके घर छापे मारने पहुंचे और उसको बात जो है नवाब मलिक को अपने साथ लेकर गए हैं, जहाँ से उनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम दस्तावेजों पर पूछताछ की जाएगी। सत्यप्रकाश, ये जो मुंबई में बॉलीवुड का जो फिल्मी ग्लैमर था, वो अब सियासी ग्लैमर भी कहीं ना कहीं पैदा होता जा रहा है, और सियासी ग्लैमर में जिस तरह के बयान आते हैं और शिवसेना कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहती है, कहीं ना कहीं फिर उसके बाद शरद पवार की पॉलिटिक्स, मुंबई को भी एक बड़ा सियासी केंद्र कहा जा सकता है राजनीति का। बिल्कुल, देखिए शरद पवार जो है राजनीतिक गुरु मानते हैं, कई पार्टी चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं शरद पवार जी को अपना गुरु मानते हैं। ज्यादातर तो मुंबई में लगातार सियासी हलचलें तेज है, क्योंकि जिस तरह से देश के 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, ज्यादातर तो सियासी हलचल इस वजह से भी तेज मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक ने लगातार बीजेपी और समीर वानखेड़े को लेकर आक्रामक दिखे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बदले की बात कही जा रही है। लेकिन ईडी ने जो समन किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम दस्तावेजों के आधार पर जांच की बात कही है। सत्यप्रकाश, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जिस तरह नगर निकाय के चुनाव हैं और जिस तरह कहीं ना कहीं बड़ा बजट है देश के जो चुनिंदा बजट वाली नगर पालिकाओं में आता है, बड़े बजट की नगर पालिका है, महानगर पालिका है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि शिवसेना और कांग्रेस प्लांट कर रही थी कि नवाब मलिक जिस तरह से कहीं कद बढ़ाया जा रहा है मुंबई में, कि चुनाव कहीं नगर निकाय के जो चुनाव है उसको कहीं पूरी तरह से होल्ड करते, तो शायद इसलिए कार्रवाई हो रही है। सियासत में ये सारी चीजें जो है कहना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजनीति वो इसमें ये बातें बिल्कुल संभव है चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहे और तमाम नेता जो चिट्ठी साधे रहे, ऐसे में माना जा रहा है कि अभी एक बात सामने आ सकती है कि नवाब मलिक को थोड़ा से
दरकिनार किया जाए, थोड़ी सी मुश्किल से बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता तो कहते हैं नवाब मलिक कहीं कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक सक्रिय और ध्रुवीकरण का केंद्र बन सकते थे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यप्रकाश। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।